أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ये तीन आयात मुबारका हैं, 24, 25, 26 सूरतुन निसा है और पांचवा सिपारा है। 24-25 से मुरादी 124, 125 और 126 और तर्जुमा है तफसीर इब्न कसीर से। और जो कोई नेक काम करेगा, वमन यअमल, कोई भी हो, ये मन बता रहा है कि कोई भी हो, किसी कबीले से उसका ताल्लुक हो और किसी घराने में वो रिहाइश पजीर हो और कोई भी उसका पोर्टफोलियो हो, अगर वो मोमिन है और नेक काम करने वाला है तो उसके नेक कामों की पजीराई की जाएगी, उसके नेक कामों को जाये नहीं किया जाएगा। तो यहाँ बयान किया अल्लाह ताला ने, और जो कोई नेक काम करे, इस बात को हमेशा याद रखा करें, नेक काम जब भी बात होगी तो ईमान के साथ होगी। और पीछे से ईमान की बात हो चुकी है, पीछे ये बात मज़कूर है कि ईमान के बाद आमनु व अमिलु सालिहात। और जो कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, ख्वाह का तर्जुमा अगर आप आसानी से करेंगे तो चाहे, ठीक है, चाहे वो मर्द हो या वो चाहे औरत हो, जबकि देखें यहाँ भी बात वही बात हो गई, जबकि वो मोमिन हो, क्या हो, जबकि वह मोमिन, यहाँ बात बयान भी कर दी, आगे भी, पीछे तो ये बात थी ही, आगे भी यहाँ बयान हो गई, वह मोमिन। देखें ये शर्त हमेशा इसको जहन में रखा करें, ये शर्त है, अगर ये नहीं है तो आपकी कोई नेकी इंदल्लाह नेकी नहीं है, बल्कि वो कोई गरज होगी, कोई मकसद होगा, कोई मामूली सा फायदा होगा, इसकी वजह से आपने वो एक खैर का काम किया है। खैर, जबकि वो मोमिन हो तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, चाहे वो जकर हो चाहे वो उनसा हो, ठीक है, उनसा मोनस और जकर मर्द, यानी वो मर्दों में से उनका ताल्लुक हो या औरतों से ताल्लुक हो, जिस कबील से भी उनका ताल्लुक होगा, अगर वो मोमिन है और नेक काम करते हैं तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर जरा भी जुल्म नहीं किया जाएगा, उन पर वला युज़लमूना नकीरा, नकीरा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नकीरा किसे कहते हैं, यानी उनके ऊपर जरा बराबर भी जुल्म का कोई भी इम्कान मुमकिन नहीं है। और दीन में उस शख्स से ज्यादा अच्छा कौन है, वमन अहसनु दीनन, ये दीनन है लेकिन आगे मीम आ गया ना, मिम्मन असलमा, उससे ज्यादा अच्छा कौन है दीन में, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सामने झुका दिया। यह झुका देना क्या है, नमाज में, नमाज में तो झुकाना ही है, वो तो 5 मरतबा है, सिर्फ 5 वक्त है, ये झुकाना ये है कि हर हुक्म के सामने आपने अपना आप अल्लाह के सामने झुकाया हुआ हो। और मजीद ये कि वो नेकी करने वाला भी हो, अल्लाह के सामने उसका सर भी झुका हुआ हो, फरमाबरदार भी हो, और वो नेक नियति के साथ फरमाबरदार हो, दुनिया दिखावे के लिए नहीं, अपना रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फरमाबरदारी का मुजाहरा ना कर रहा हो, या कैमरे के सामने नहीं, वो हर वक्त रात के अंधेरियों में हो, या तन्हाइयों में हो, या लोगों की मजलिस में हो, और मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है, वैसे तो अल्लाह ने तमाम नबियों का जिक्र बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ने बयान फरमाया, और हर नबी का अलग अलग इम्तिहान है और अलग अलग उनके अल्लाह ताला ने तज़किरे किए हैं
لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کچھ ایسی خصوصیات اللہ نے کچھ ایسی مخصوص انداز میں ان کے امتحانات لیے ہیں، اور یقیناً یہ ابراہیم علیہ السلام تو خاص ہیں، لیکن نبیوں کے متعلق ہمارا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کسی بھی نبی سے امتحان لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے امتحان لیے ہوئے میں پورے کامل ہوتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے تو کر کے دکھا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو اپنانے کا حکم فرمایا ہے کہ ان کے اسوے کو دیکھو، ان کے اسوے پر چلو، ان کے اسوے کو اختیار کرو. اچھا، اور ملت ابراہیم وتبع ملتا، یہ یہاں پہ بھی ملت ہے، یہ وتبع اتباع کرنا ہے، پیچھے چلنا ہے، اختیار کرنا ہے ملت ابراہیم کو، اور ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو صرف حق پرست تھے. جو کیا تھے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا تھے؟ حنیف تھے، ایک اللہ کے بس تھے، وہ ایک اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کیا ہوا تھا، بالکل سیدھے ہر وقت سر جھکائے رہتے تھے، ہر وقت اللہ کے سامنے بالکل فرما بردار بن کر عاجزی کے ساتھ وہ قیام میں رہتے تھے، ہر وقت سر جھکا ہوا ہوتا تھا ان کا. کس طرح سے؟ حکم آیا پورا کر دیا، حکم آیا پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کا بہت سچا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ وعدے کے بہت سچے تھے. کیوں؟ والد سے وعدہ کیا تھا کہ والد آپ نے جو خواب دیکھا ہے پورا کر دیجئے، تو والد صاحب جب چھری لے کر آئے تو اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر نہیں گئے، ادھر ادھر دیکھا نہیں انہوں نے، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، بھاگے نہیں، چھپے نہیں، ٹال مٹول نہیں کیا، ٹھیک ہے، کچھ وقت کو آگے پیچھے نہیں کیا، کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی وقفہ نہیں لیا، ٹھیک ہے. جیسے ہی والد صاحب نے چھری اٹھائی اور مقتل گاہ کی طرف لے کر چلے تو اسماعیل علیہ السلام ساتھ ساتھ چلنے لگے. جب والد نے لٹایا، لیٹ گئے، چھری گردن پہ رکھی، رکھوا لیا، تو ایسا انہوں نے وعدہ پورا کیا. اللہ نے فرمایا وعدے بھی بہت سچے تھے، وہ کیا خوب تھے. تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اسباق ذکر کیے ہیں پیچھے والوں کے لیے. غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام حق پرست تھے، بالکل حق کی سیدھ میں چلنے والے تھے، حق کی پیروی کرنے والے تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا. یہ خاص ہوتا ہے نا، یہ خلیل کا لفظ ہے نا یہاں پہ، یہ دیکھیے خلیل، اللہ نے ان کو خاص اپنا خلیل بنایا تھا، ٹھیک ہے. دوست تو بہت ہوتے ہیں لیکن خلیل کوئی کوئی ہوتا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنایا تھا، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، ہے کسی اور کا نہیں، وہ صرف کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے، خاص ہے اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کوئی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہے استعمال کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کا اختیار دیا ہے، لیکن ملکیت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، یاد رکھو. یہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے پاس آیا ہے، اس سے اگر آپ نفع اٹھانا چاہو، فائدہ حاصل کرنا چاہو، تو اس کو اپنے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر کے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے آگے بڑھا کر آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو، تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دے گا، لیکن ہے اللہ کا، یاد رکھو، نہ تمہارا ہے نہ میرا، کسی کا نہیں ہے. اس سب کچھ جو زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے برے اعمال کا ذکر فرمایا، وہ برے اعمال کرنے والے بندوں کو ضرور پکڑے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. دنیا میں، اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، انسانوں کے لیے بہتر ہے کہ دنیا ہی میں پکڑ دھکڑ ہو کر اس کو خلاصی مل جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت اس سے کہیں سخت ہے، ٹھیک ہے.
उसके बुरे अमाल की उसे दुनिया ही में सज़ा मिल जाए तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में उसको मोहलत दे दी, उसको ढील दे दी, उसको वक्फ़ा दे दिया, तो फिर क्या है, फिर आखरत में उसकी पकड़ होगी। वलअयाज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखरत में आफियत और दरगुजर और माफ़ी अता फरमाए, हमें दोनों जगह की पकड़ से अल्लाह ताला अपनी पनाह दे। हम अल्लाह के दामन पनाह में पनाह तलब करते हैं, अल्लाह हम सबको बचाए रखे। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने उस एहसान और फजल और रहमत का जिक्र फरमाया कि वो अपने बंदों के, वो चाहे मर्द हों या औरत हों, वो कोई भी हों, आमाल को शर्फ़ कबूलियत से नवाजेंगे अल्लाह ताला, बशर्ते कि वो साहिब ईमान हों, ये शर्त लाजमी है, ठीक है। फिर उन्हें जन्नत में दाखिल भी फरमाएंगे और उनकी नेकियों में ज़र्रा भर भी कमी नहीं की जाएगी। यहाँ इस सिलसिले में नकीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और नकीरा उस छोटे से गढ़े को कहते हैं, और नकीरा के कुछ और भी माना है। नकीरा जो आप खजूर खाते हैं, खजूर की गुठली की यानी आप जब गुठली देखें तो उसकी जो पुष्ट है ना, पुष्ट पर जो होता है ना, तो ये उसे कहते हैं। बिल्कुल मामूली सा, एक कहना चाहिए नुक्ते की तरह एक गढ़ा नज़र आता है आपको, और नकीरा खजूर की गुठली के ऊपर जब आप गुठली रखते हैं ना खाने के बाद, तो अगर थोड़ा से टाइम रखी रहे एक दिन या आधा दिन, तो उस पर क्या होता है, एक झिल्ली सी आपको नज़र आती है ना, मामूली सी झिल्ली, जैसे कि हवा से कभी ऐसे लगता है उड़ जाती है, पता भी नहीं चलता, उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये नकीरा, और उसके अलावा इसी तरीके से फतीलुन है, फतीलुन, ठीक है, मामूली सा धागा, और इसी तरीके से है कितमीरुन, उस लिफाफे को कहते हैं जो खजूर की गुठली के ऊपर होता है। फतीलुन, नकीरुन, कितमीरुन, तीनों अल्फाज का ताल्लुक खजूर से है, और ये तीनों अल्फाज कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हैं। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा वजहहु लिल्लाह, और उस शख्स से किसका दीन अच्छा हो सकता है, कैसे ये मुमकिन है कि किसी और का दीन अच्छा हो सके, हरगिज़ नहीं हो सकता। सिर्फ सबसे अच्छा दीन किसका है, जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया। अपने आप को क्या किया, अल्लाह के हवाले कर दिया, जिसने अपने रब ताला के लिए अमल को खालिस किया और ईमान के साथ हुसूल सवाब की नीयत से, उसका इरादा क्या हो कि मुझे अल्लाह ताला के दरबार से इसका सवाब, इसका सिला, इसका बदला मिलेगा। वह हुआ मोहसिन, और वो नेकोकार भी हो, वो मोहसिन भी हो, यानी अपना अमल इस तरीके कार के मुताबिक सर अंजाम देते हों वो लोग जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर किया है, अपने बनाए हुए तरीके पर नहीं, अपने उलमा के बनाए हुए तरीके पर नहीं, वो उलमा जो उलमाए सू हैं, और अपने पीरों के बनाए हुए तरीक़ों पर नहीं, जो अल्लाह ने आपके लिए तरीक़ मुकर्रर किया उस तरीक़ पर उसने अमल को पूरा किया हो, जिस हिदायत और दीन हक के साथ अल्लाह ने अपने रसूल को मबऊस फरमाया है, उसी तरीक़ को उसने अपना तरीक़ा बनाया हो। और ये दो शर्तें हैं कि इनके बगैर किसी अमल करने वाले का अमल सही हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, नामुमकिन है। अमल के सही होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो खालिस भी हो और दुरुस्त भी। खालिस से मुराद ये है कि वो अल्लाह ही के लिए हो, उसमें किसी और की नीयत, कोई और इरादा शामिल ना हो, और दुरुस्त और सही से मुराद ये है कि वो शरीयत के मुताबिक हो। अमल का ज़ाहिर इत्तेबा और बातिन इखलास के साथ सही करार पाएगा। अमल में अगर इन दोनों में से कोई एक शर्त भी मफकूद हो, ना हो, तो वो अमल क्या होगा, फासिद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जिसके अमल में इखलास की शर्त ना हो तो वो मुनाफिक होगा। मुनाफिक वो होते हैं जो लोगों के दिखाने के लिए अमल करते हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई, क्या था वो, नमाज की पहली सफ़ में खड़ा होता था लेकिन मुनाफिकों का सरदार था। उसके जनाजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए थे तो अल्लाह ने फरमाया कि आइंदा से आप किसी ऐसे मुनाफिक के जनाजे में खड़े ना होइएगा। और जिस शख्स का अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के मुताबिक नहीं होगा
तो वो गुमराह और जाहिल होगा, और जिस अमल में ये दोनों शर्तें मौजूद हों तो वो मोमिनों का अमल है। जिनके अच्छे अमाल को अल्लाह ताला शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाते हैं और बुरे अमाल को मुआफ़ फरमा देते हैं। इस आयत मुबारका में जो आयत नंबर 125 है सूरह निसा की, इसमें आप गौर करें तो आपको तीन चीज़ें मिलती हैं। नंबर एक, अल्लाह ताला ने अमल की कबूलियत की जो शर्त बयान की है, पहली ये कि अपना चेहरा अल्लाह ताला के ताबे कर दे, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। नंबर दो ये कि वो मोहसिन हो, और नंबर तीन ये कि मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करे, जो हनीफ थे। ठीक है, अब चेहरा ताबे करने का मतलब ये है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के हवाले कर दे, अपनी मर्जी को ख़त्म करके अल्लाह की मर्ज़ी पर चले, अपनी मर्जी को ख़त्म कर दे और किसकी मर्जी पे चले, अल्लाह की मर्जी पे चले। ठीक है, अच्छा बहुत से लोग इसमें आपको पता है कि वो लाजमी बात है कि अपनी यानी उल्टी सीधी बातें निकाल लेंगे कि ये क्या बात हुई, क्या इंसान की कोई मर्जी नहीं है, फलाना ढिमकाना ऐसे वैसे। लेकिन ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम वो इस तरह की बातें नहीं करते, वो बस अल्लाह के हुक्म को देखते हैं, अल्लाह का हुक्म आया चल पड़े अल्लाह के हुक्म के पीछे बस। क्योंकि आपने अपना हुक्म कहाँ चलाना है, वो जन्नत में, जन्नत में आपकी मर्जी चलेगी, आपका जो जी चाहेगा वो आपके लिए हाजिर होगा। ठीक है, लेकिन दुनिया में आपको अल्लाह की मर्जी पे चलना है, एक चीज़ को आपको इख्तियार करना है, चाहे दुनिया में आप अपनी मर्जी हासिल करके और जन्नत से बेदखल हो जाएं, या दुनिया में आप अल्लाह की मर्जी पे चलकर जन्नत जैसी अजीमुशान नेमतों के और वहाँ की बादशाही के आप मुस्तहिक हो जाएं, आपकी मर्जी है। लेकिन असल में और हकीकत में ईमान यही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और अपनी मर्जी को ख़त्म कर दे। ठीक है, यही ईमान है। और मोहसिन होने का मतलब ये है कि हर अमल खालिस अल्लाह के लिए करे, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस जिब्रील है उसमें इरशाद फरमाया एहसान के बारे में, अंतअबुदुल्लाह कअन्नका तराहु, ये हदीस बुखारी मुस्लिम आपको दोनों जगह मिल जाएगी, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, कअन्नका तराहु। ठीक है, तो ये एहसान की तारीफ आपने बयान फरमाई थी। और मिल्लत इब्राहिम की पैरवी का मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी तरह फरमाबरदार हो जाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुछ करते थे वही है असल में मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करना। और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में बयान भी फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम। ठीक है, तो हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना चाहिए, आपकी ही मिल्लत, हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है आपके आखिरी नबी होने के हवाले से। बहरहाल, तो अब क़यामत तक मिल्लत इब्राहिम पर कायम सिर्फ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में जो हमने पीछे पढ़ा है, इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम अललज़ीना तबऊहू व हाज़ा नबी वल्लज़ीना आमनू, बेशक सब लोगों से इब्राहिम के करीब यकीनन वही लोग हैं जिन्होंने उसकी पैरवी की, और ये नबी कौन, नबी आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी और वो लोग जो ईमान लाए। ठीक है, अगर ईमान नहीं तो कोई अमल कबूल नहीं, एहसान और खलूस नहीं तो रियाकारी है जो शिर्क है। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर नहीं तो सुन्नत नहीं बल्कि बिदात है। तो आप खुद ही अपने अमल का जायज़ा ले लीजिए, किसी और के पास जाने से पहले खुद अपना आप तजिया कीजिए, एनालिसिस कीजिए, आपको अंदाज़ा खुद बखुद हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मकामात पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हनीफ बयान किया। हनीफ उसे कहते हैं जो अपने कस्द व इरादे के साथ शिर्क से अलग हो जाए, जो भी वक्त आए, जो भी हाल हो, जो भी हालात पैदा हों, जिस तरह का भी माहौल बन जाए, जितने भी दुश्मन हो जाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में जाना हुआ तो किसी के पास नहीं गए कि कोई सिफारशी मिल जाए, कोई हमारी जो है फेवर करने वाला मिल जाए, नहीं, आराम से
अल्लाह ताला पे भरोसा करके बैठ रहे, इधर उधर देखा ही नहीं, उनका रुख इधर उधर फिरा ही नहीं, ऐसे हनीफ थे। ठीक है, बिल्कुल, यानी शिर्क को तो पसंद ही नहीं किया। शिर्क तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर है और बाईद क़यास है किसी नबी से। लेकिन वो वैसे भी किसी भी मामले में, दुनियावी मामले में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी की तरफ कभी भी देखा ही नहीं और कभी भी अल्लाह के हुक्म के सामने देर भी नहीं लगाई, कोई वक्फा नहीं लिया। कि कोई होता है ना कि एक इंसान, चलो भी यार अभी आपको आपके बाबा भी हुक्म देना तो आप कहते हैं ठीक है अभी कर रहा हूँ ना, अभी कर दूंगा। कोई चीज़ आपसे मंगाई जाती है बाजार से, अभी ला दूंगा ना, एक घंटे बाद ला दूंगा, अभी निकलूंगा ना तो अभी लेकर आ जाऊंगा, शाम में मुझे जाना है, शाम में जाऊंगा तो मैं लेके आ जाऊंगा। थोड़ा सा आप मोहलत ले लेते हैं, वक्फा ले लेते हैं, थोड़ा टाइम ले लेते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरा भी नहीं मानता। ठीक है, आपको जाना है शाम में तो आप बार बार जाने से बेहतर एक दफा जाके अपना सामान भी ले लिया, बाबा का भी ले लिया, एक काम और विधायक बाबा का काम भी कर दिया आपने। इस तरीके से और भी होते हैं बहुत सारे मौके और मराहिल और मौके। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा भी नहीं किया कि हाँ हाँ अभी कर दूंगा, ठीक है अभी कर दूंगा, नहीं, हुक्म आया और बस हुक्म के लिए खड़े हो गए उसी वक्त, एक लम्हे की ताखीर नहीं की, एक लम्हे की, ना इधर उधर देखा, ना कोई सिफारिशी तलाश किया। ठीक है कि कोई ऐसा मिल जाए बड़ा बंदा जो, ठीक है, जिसकी बात की कोई वैल्यू हो, ना बिल्कुल नहीं। ठीक है, उन्होंने कुल्ली तौर पर अपना सारा सारा जो उनका कुछ, यानी जैसे आप कहिए ना कि एक हक, एक इंसानी किसी किस्म की ख्वाहिश, सब उन्होंने सारा का सारा अल्लाह के हवाले कर दिया था। और जितने भी हालात आए, जितने भी मुश्किल मराहिल आए, एक लम्हे के लिए उन्होंने, यानी कहना चाहिए कि अपने दिल में कोई रुकावट नहीं पाई, राह हक से कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकी और कोई भी उनके कदमों को हक से डगमगाने की जितनी भी किसी ने कोशिश की हो, अगरचे वो शैतान ही क्यों ना हो, डगमगा नहीं सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम डगमगाए नहीं। बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ज़ुबान से कहना तो और होता है, वो तो बहुत आसान होता है, कहानियाँ तो कोई भी सुना सकता है, लतीफ़े तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन अमली ज़िंदगी जो आपको मिलेगी वो अंबिया की ज़िंदगी है, वो उनकी ज़िंदगी है और उन्हीं पर उनके जो उसवा हैं, यानी कहिए कि बस हैं। इंसान सोच ही नहीं सकता, इंसान के बस के ये रोग ही नहीं है। सोचिए अपने आप को आग में डालना कोई मामूली बात है, वो भी जवानी में। तसव्वुर कीजिए अपना घर बार छोड़ देना, अपने ऐश व आराम को तर्क कर देना कोई मामूली बात है। सोचिए अपने अपने हालात के लिहाज से। इसी तरीके से अपने बीवी को, अपनी नौजवान खूबसूरत हसीन व जमील बीवी को जंगल बियाबान में पहाड़ियों में ऐसी जगह छोड़ आना, ना कोई दर ना कोई घर और ना कोई ठिकाना, ना पानी खाना, तो दूर की बात है, जहाँ पानी भी नहीं था, पानी भी नहीं था। एक शीरख्वार बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा, तसव्वुर कीजिए खूबसूरत बच्चा जो कि ज़ौफ में दुआ मांगने के बाद मिला हो, छोड़ आना जंगल में किसके लिए, अल्लाह के लिए। उसमें ताखीर नहीं करना कि हाँ चलो एक महीने बाद छोड़ देंगे, एक दिन अभी ज़रा बच्चे को अच्छी तरह खिला ले, ज़रा प्यार कर ले भी छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ आना, हुक्म हुआ छोड़ के आ जाना, कोई मामूली बात है ये, सोचिए। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम इधर से उधर नहीं डगमगाए, उन्होंने कोई दुआ नहीं मांगी कि अल्लाह ताला आप ऐसा हुक्म टाल दीजिए, ये हुक्म दूर कर दीजिए, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह मैं ऐसे नहीं कर सकता, अल्लाह ताला ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, अल्लाह आप हमें इम्तिहान से बचा लीजिए, नहीं दुआ की उन्होंने। जब छोड़ दिया फिर दुआ की कि अल्लाह इनको खाना पानी यहाँ दे दीजिएगा, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ नहीं, अल्लाह के हुक्म सामने जाके छोड़ के आ गए। ज़रा आप तसव्वुर तो करें, तसव्वुर में लाएँ ये बातें, तसव्वुर में लेकर आए, तो नमाज के लिए भी कहते हैं भी पढ़ लेंगे, ठीक है, और खुशू के साथ थोड़ा सा और एज हो जाए फिर पढ़ेंगे, तस्बीहात के लिए भी हम थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं, हम तो हमसे तो ये अमल नहीं होते जो बहुत आसान आसान से हैं। आप ज़रा देखिए हनीफ कैसे, वो हनीफ थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ने हम का हनीफ जिक्र किया है और जगह भी जिक्र किया है कि वो हनीफ थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हनीफ थे। वत्तखज़ अल्लाह इब्राहिम खलीला, ये खिल्लत का ताज ऐसे ही नहीं पहनाया जाता, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया।
अल्लाह ताला ने ये फरमा कर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की तरगीब दी है, क्योंकि वो एक ऐसे पेशवा हैं कि जिनकी इक्तदा की जाती है, जिनको मुक्तदा बनाया जाता है, ठीक है, इसलिए कि वो तकर्रुब इलाही के उस सबसे बुलंद मकाम तक पहुंच गए जहां तक रसाई मुमकिन नहीं है, ठीक है, हमारी आपकी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे हैं जो एक आखिरी मकाम है, आखिरी स्टेप है जहां तक पहुंचना मुमकिन है, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां तक पहुंचे हैं कि वहां तक पहुंचना मुमकिन है, अब उसके आगे कोई ऐसा मकाम नहीं है, उससे ऊंचा कोई बुलंद ऐसा स्टेप नहीं है जहां पर पहुंचना मुमकिन हो, ठीक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दर्जे खुल्लत के उस मकाम को हासिल कर लिया, पहुंच गए थे जो मोहब्बत के मकामात में से बुलंद तरीन मकाम है, और उन्हें ये मकाम अपने रब की कसरत के साथ इताअत की वजह से हासिल हुआ है, फरमा बरदारी की वजह से हासिल हुआ, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र करते हुए फरमाया व इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, क्या खूबसूरत अंदाज है, क्या फरमाया सूरह नजम में, और इब्राहिम जिन्होंने हक और इताअत और रिसालत को पूरा कर दिया, जो वादे के पूरे थे, वादा पूरा करने वाले थे, जो भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उन्होंने कहा मैं पूरा करूंगा, पूरा कर दिया बगैर किसी ताखीर के उन्होंने वादे को पूरा कर दिया। वह इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, बहुत ज़बरदस्त वफ़ादार थे, वफ़ा, ठीक है। वैज़िब्तला इब्राहिम रब्बहू बेकलिमातिन फ़अतम्महुन, क्या फरमाया अल्लाह ने, सूरह बकरा में पीछे पड़ चुके हैं। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब ने कुछ बातों से या चंद बातों में इब्राहिम की आजमाइश की, उनको इब्तला में डाला, उनको मुबतला किया, वैज़िब्तला, आप बला कहते हैं ना उर्दू में भी बला कहते हैं, आजमाइश की, तो वो उसमें क्या हुआ, फ़ातम्महुन्ना, उन्होंने सबको पूरा कर दिया, उसमें सब में पूरे हो गए, तमाम जितने भी तरह के आजमाइश के मराहिल थे सब में फ़ातम्महुन्ना, उन्होंने सबको यानी कामिल तरीके से अदायगी कर दी उसकी। और इब्राहिम लोगों के इमाम और अल्लाह के फरमाबरदार थे जो एक तरफ के हो रहे थे और मुशरिकों में से नहीं थे, सिर्फ एक अल्लाह पे भरोसा करने वाले थे, बातों में नहीं कि बातें करके नहीं, अमली तौर पर। सहीहुल बुखारी में एक हदीस शरीफ है, मुस्लिम में भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इरशाद फरमाया अय्युहन्नास लौ कुंतु मुत्तखिज़न मिन अहलिल अर्द खलीलन लत्तखज़्तु इब्न अभी कुहाफा खलीला वलाकिन साहिबकुम खलीलुल्लाह, लोगों अगर मैंने अहले ज़मीन में से किसी को अपना खलील बनाना होता तो इब्ने अभी कुहाफा को बना लेता, यानी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपना खलील यानी गहरा दोस्त या जिगरी दोस्त आप कहिए कि अगर बनाते तो किसको बनाते, अभी कुहाफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बना लेते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलाकिन साहिबकुम खलीलुल्लाह, लेकिन तुम्हारे साहिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद फरमाया कि अल्लाह के खलील हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं, आप भी अल्लाह के गहरे दोस्त हैं, फरमाबरदार हैं। तो ये बुखारी और मुस्लिम में हदीस आपको मिलेगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं। और सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस शरीफ है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने मुझे अपना इसी तरह खलील बना लिया जिस तरह अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। और खलील उस दोस्ती को कहते हैं जिसकी दोस्ती दिल के दरमियान पहुंच जाए और उसमें किसी पहलू से भी कोई खामी बाकी ना रहे। अब आप इस आयत मुबारका के इस टुकड़े पर, ये खलील जो अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और मैंने आपको हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के खलील हैं,
उसके बाद की आयत 126 पे आप गौर कीजिए, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ अल्लाह ने क्या बयान किया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्त बनाया। तो दोस्त बनाने का मतलब ये नहीं कि जिस तरह दोस्त बराबर होते हैं, ठीक है, दोस्ती में बराबरी होती है, दोस्ती में एक दूसरे की चीज़ लोग शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये बात हरगिज़ न समझी जाए, ये बात जहन से निकाल दी जाए। उनकी मिल्कियत भी एक समझी जाती है, दोस्तों की होती है ना कि एक मिल्कियत, जैसे भाई आपकी चीज़ हमने उठा के खा ली, हमारी चीज़ आपने खा ली, और हमने आपको अपनी चीज़ दे दी, आपने हमें अपनी चीज़ दे दी, और आपकी चीज़ उठाकर हमने किसी और को भी दे दी, आपने कहा कोई बात नहीं है, ठीक है। उनकी मिल्कियत कभी कभी एक समझ ली जाती है कि भाई गहरे दोस्त हैं ये। तो अल्लाह ताला ने यहाँ क्या फरमाया कि सब कुछ किसका है? अल्लाह का है, ठीक है। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, ठीक है। तो आसमान और ज़मीन की मिल्कियत किसकी है? अब भी अल्लाह ही के पास है, खलील के पास नहीं आई है, याद रखनी चाहिए आपको ये बात। और हर शय का, हर चीज़ का इहाता भी किसके पास है? अल्लाह के पास है। वकान अल्लाह बिकुल शय मुहीता, अल्लाह ने हर चीज़ का इहाता किया हुआ है, किसी और को अल्लाह ताला ने इसका इख्तियार नहीं दिया है। ये साथ में अल्लाह ताला ने इसके बाद फौरन ये अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि हर शय का इहाता भी उसी के पास है, और ये तो उसका फजल व करम है कि अपने उन खास बंदों को, उन खास को अपना खलील करार देकर उनकी इज्जत अफजाई अल्लाह ने फरमाई, ठीक है। अगर आपको दलील चाहिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद हैं आज़र और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब का मामला देख लो, आपको साफ वाजे पता चल जाएगा। यही नहीं, मैं आपको कुरान मजीद की एक आयत भी दिखा दूँ, ये 28वां सिपारा सूरह मुमतहना है और आयत नंबर 4 से हम चलते हैं, और तर्जुमा ये अहमद रज़ा का है। देखिए क्या फरमाया, बेशक तुम्हारे लिए अच्छी पैरवी थी, उसवा था, अच्छा उसवा, हसना उसवा किस में था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की और उसके साथ वालों में, यानी उनकी ज़िंदगी, उनके साथ वालों की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए क्या है? उसवा है, बेहतरीन उसवा है। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, किसने? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और उनकी कौम ने क्या कहा? बेशक हम बेजार हैं, इन्ना बुरा मिनकुम, क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? इन्ना बुरा मिनकुम, ठीक है, हम बेशक क्या है, बेजार हैं तुमसे और उनसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, जिससे तुम उम्मीदें लगाते हो, उम्मीदें बांधते हो, मांगते हो, ठीक है, पुकारते हो, हम उनसे क्या है, बेजार हैं, बरी हैं, बुरा मिनकुम, हम तुम्हारे मुनकिर हुए। क्या कहा? कफरना बेकुम। हमारे चैनल का नाम भी इसी हवाले से है ना, CTKB। KB का क्या मतलब है? के से कफरना और बी से बेकुम, ठीक है, यानी हम मुनकिर हैं तुम्हारे, हम इनकार करते हैं, हम मुनकिर हैं तुम्हारे, हम तुम्हारे मुनकिर हुए, हम इनकार करते हैं, रद्द करते हैं तुम्हारे तमाम मामलात को, कंडेम करते हैं, ठीक है। क्या हम तुम्हारे मुनकिर हुए? कफरना बेकुम व बदा बैनना व बैनकुम अदावतु वल बगदाउ अबदन हत्ता तुमनु बिल्लाहि वहदहु इल्ला कौल इब्राहिम लिअबीही। ये सारी बातें बड़ी खूबसूरत अंदाज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई हमेशा के लिए, वल बगदाउ बुग्ज अबदन हमेशा के लिए, यानी जब तक तुम अपनी रविश पर हो, किसी भी सूरत में हमारी तुम्हारी कोई मफाहमत दोस्ती नहीं हो सकती, हमेशा के लिए दुश्मनी कायम रहेगी जब तक तुम अपनी इस रविश पर कायम रहोगे, जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना लाओ, ठीक है, हत्ता यहाँ तक कि तुम लोग ईमान लाओ बिल्लाह अल्लाह पर, वहदहु जो अकेला है, जो वाहिद है, ठीक है। अब मजीद आगे अल्लाह ताला ने क्या बयान किया, इल्ला मगर कौला इब्राहिमा, मगर ये हुआ कि इब्राहिम का अपने वालिद से, अपने बाबा से ये कहना, ले अभी ही अपने वालिद से कहना कि मैं ज़रूर तेरी मगफरत चाहूँगा, लास्तगफिरन्ना लक, लाजमी तौर पर ज़रूर मैं अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए इस्तगफार करूँगा, माफ़ी मांगूँगा,
और फिर देखिए आगे क्या फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, वमा अमलिकु लका मिन अल्लाह मिन शैई। ये बड़ी गौर तलब बात है लोगों के लिए जो अपने पीरों पर फ़कीरों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, खलील हैं और अब खलील से ऊंचा कोई मकाम मैंने आपको बताया नहीं हो सकता। जहाँ तक पहुँचना एक इंसान का या नबी अलैहिस्सलाम का, नबी भी ज़ाहिर है कि बशर हैं, जहाँ तक मुमकिन था इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब उसके ऊपर कोई भी ऐसी बुलंदी, कोई सीढ़ी, कोई स्टेप नहीं है कि जहाँ पर पहुँचा जा सके, अब मुमकिन नहीं रह गया। जो एक आखिरी स्टेप था अल्लाह के क़ुर्ब का, वहाँ तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रसाई है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसाई है। तो वो इब्राहिम, तो वो फरमाते हैं, वो फरमा रहे हैं क्या, और मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी नफे का मालिक नहीं, मेरी कोई मिल्कियत नहीं है। वमा अमलिकु लका मिन अल्लाह मिन शैई। शै का इतलाक तो बहुत थोड़े से पर भी होता है, ठीक है, थोड़े से पर भी अल्लाह ताला के दरबार में मेरी ऐसी यानी मिल्कियत नहीं है कि जो मैं अल्लाह ताला से ज़बरदस्ती ले लूँ या खलील होने की हैसियत से ले लूँ और तुम्हारे लिए कुछ वालिद को कुछ नफ़ा पहुँचा दूँ, नहीं, बस इस्तग़फ़ार करूँगा, माफ़ी मांगूँगा। और माफ़ी भी काफिर के लिए कब तक मांगना है, जब तक उम्मीद है। जब मना कर दिया तो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने माफ़ी से भी दस्तबरदारी हासिल कर ली कि नहीं माफ़ी भी नहीं मांगूंगा, अब अल्लाह का हुक्म नहीं है, माफ़ी भी नहीं मांगूंगा। तो फरमाया वमा अमलिकु लका मिन अल्लाह मिन शै, रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। आयत नंबर 4 कम्प्लीट हो गई, पूरी हो गई। फरमाया और मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी नफ़े का मालिक नहीं, ऐ हमारे रब, हमने तुझी पर भरोसा किया यानी हमने आप पर भरोसा किया और आप ही की तरफ रुजू लाए यानी आप ही की तरफ लौटते हैं, आप ही की तरफ वापसी है हमारी और आप ही की तरफ हमें फिरना है, वापस जाना है। तो ये है कि जो लोग कहते हैं, जिन्होंने भरोसा किया है अपने पीरों फ़कीरों पर, उनको इन आयत मुबारक के टुकड़ों पर और आयत मुबारक पर गौर करना चाहिए कि जिनका अल्लाह की बारगाह में मकाम और मर्तबा है, वो बयान कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए कोई नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ और मैं अल्लाह ताला की बारगाह में ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जो है माफ़ करवा दूँ, नहीं, मेरा ऐसा कोई इख्तियार अल्लाह की बारगाह में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मिन शै फरमाया मैंने अल्लाह मिन शै, क्या फरमाया, वमा अमलिकु लक, मेरा कोई अल्लाह के इमलाक में, अल्लाह की मिल्कियत में मेरा कोई जो है हक नहीं है ज़रा सा भी, ठीक है। तो इन आयात की रोशनी में आप अगर बात को समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बात समझ आएगी। वलिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्द, और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, सब उसी की मिल्कियत है, सब उसी के बंदे हैं और सब उसी की मखलूक हैं, सब में उसी का तसर्रुफ है, अल्लाह का तसर्रुफ है, उसी का इख्तियार कार फरमा है, उसके फैसले को कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, उसके हुक्म की कोई मुखालफत नहीं कर सकता, उसकी अजमत, उसकी कुदरत, उसका अदल, हिकमत, लुत्फ और रहमत की वजह से जो वो अपने बंदों पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, कोई उससे बाज पुरस नहीं कर सकता। वकान अल्लाह बिकुल्ल शैइम मुहीता, और अल्लाह हर चीज़ का इहाता किए हुए है, यानी उसका इल्म सारी मखलूक का इहाता किए हुए है, अपने बंदों की कोई बात भी उससे मख्फी नहीं। आसमान और ज़मीन का कोई ज़र्रा या उससे भी कोई छोटी या बड़ी चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं। हर वो ज़र्रा जो लोगों को नज़र आता हो या ना नज़र आता हो, अल्लाह ताला से छुपा हुआ नहीं है, सब को उसने इहाता किया हुआ है। तो गौर कीजिए, जब हर चीज़ अल्लाह की है और सारा इख्तियार अल्लाह का है, तो जब तक अल्लाह राज़ी नहीं होगा तो मामला कैसे बन सकता है, ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये प्यारे प्यारे अलकाबात अच्छे तो बहुत लगते हैं, दिल चाहता है कि हम भी अल्लाह के खलील बन जाएं, तो कैसे बन जाएं? अल्लाह का खलील बनने के लिए, अल्लाह का प्यारा बनने के लिए अल्लाह की फरमाबरदारी करनी होती है, जब जाके आपको फिर ये डिग्रियां बढ़ती हैं, ऐसे नहीं बढ़ती हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रा आप कारनामे भी देखें, और मैं और आप हैं कि अल्लाह का एक हुक्म भी मानने को बड़ी मुश्किल से तैयार होते हैं और उसमें इतनी जिरह बहस करते हैं, और हमारी तरजीहात क्या हैं, कभी ज़रा गौर तो करें। अगर हमसे कहा जाए कि तरीके से चादर पहनकर बाहर निकलो, अगर मिक्स गैदरिंग है तो वहाँ या तो जाओ ही नहीं, या कोई हिकमत, कोई मसलहत, कोई ज़रूरत है
जाना भी हो तो ज़रा पर्दे से जाओ, तरीके से जाओ, तो हम तो वो हुक्म भी मानने को तैयार हैं जो इतना आसान सा है भाई। ज़ाहिर है ना, उसमें हमें कोई चोट लगती है। अगर आपने पर्दा ओढ़ लिया तो क्या होता है? आपको कोई चोट लगती है क्या? आपको भूखा रहना पड़ता है क्या? कोई आपको मारता है उसकी वजह से? कोई तकलीफ तो नहीं उठानी पड़ती, सिर्फ एक चादर ओढ़नी पड़ती है। तो आप इतनी इतनी भी फर्माबरदारी गवारा नहीं करते। अब हलाल खाना है, हलाल खाने में आपको कौन सी ऐसी तकलीफ होती है? लेकिन नहीं, नहीं मानना, नहीं मानते, ठीक है। सूद भी खाते हैं, रिश्वत भी खाते हैं, उसके अलावा धोखेबाजी इस कदर, इस किसी पर भी आप एतबार नहीं कर सकते। किसी पर आपने एतबार किया तो बस आपको उसने डुबो दिया। मैं आपको अपनी मिसाल बताऊं, एक दुकान वाले से मैंने एक सूट ख़रीदा, बड़ा खूबसूरत सूट था, बहुत अच्छा लग रहा था। दुकान वाले करते क्या है, अमूमन लाइट जला देते हैं, इतनी लाइटिंग कर देते हैं कि आपको समझ नहीं आती। अच्छा खासा यानी महंगा सूट था और मुझे ज़ाहिर है मुझे देना था, यानी अपने किसी यानी ख़ास को देना था, मैंने वो ले लिया। तो मैंने उनको दे दिया, इतनी लाइटिंग कर दी कि वो काम मुझे कुछ नज़र नहीं आया, बच्चा चमक रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने ले लिया। अब वो जो मैंने उनको दिया, काफ़ी टाइम 6 महीने गुजर गए, मैंने फिर एक दिन हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा आपने पहना नहीं वो सूट? तो उन्होंने मुझे बताया कि उस सूट का सारा काम काला था। अब आप बताइए, इतना मुझे दुख हुआ, इतना मुझे सदमा हुआ कि आपने मेरे पैसे ज़ाया कर दिए। और किसी के सामने, ज़ाहिर है किसी को क्या पता कि आपने इतनी लाइटिंग कर दी और इतना महंगा मुझे लूट लिया आपने ऐसे, तो कितने दिन आपको ये चलेगा? तो इतना लोग धोखा देते हैं। अगर आप पे, आप अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो आप ऐसा धोखा क्यों देते हैं? आप कम से कम बता ही दें कि देखें इसमें ये ख़राबी है, आप लेना चाहें तो लें, नहीं लेना चाहें तो मत लें। आपने तो अपने पूरे पैसे निकाल लिए, किसी को बेवकूफ़ आपने बना दिया। आप बताएं कि आप कैसे नेकी के दर्जे को पहुँच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुँच सकते। बहुत तरह से लोग आपको इस तरह से धोखा देते हैं, किसी न किसी अंदाज से धोखा देते हैं। अल्लाह का खलील बनना है, प्यारा बनना है, नेक बनना है, अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा बनना है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन अहसनु दीना मिम्मन अस्लमा। अगर अल्लाह के सामने फरमाबरदार बनना है तो क्या है, फिर उसका हुक्म भी मानना होगा। उसका हुक्म नहीं मानेंगे तो कभी भी अच्छे बच्चे नहीं बन सकेंगे। जैसे अम्मा अब्बा के अच्छे बच्चे होते हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे होते हैं। तो जैसे वो बच्चे जो माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं करते, तंग करते, अच्छे बच्चे नहीं बनते, आप ऐसे अल्लाह के अच्छे बंदे नहीं बन सकते। तो आप अल्लाह पे भरोसा करो, वो रिस्क देने वाले अल्लाह ताला है ना, सबको देंगे रिस्क, का वादा अल्लाह का वादा है। अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करते। तो हमें और आपको इन आयात पर गौर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी, अमली ज़िंदगी में इनको नाफिज करना चाहिए, इनके नफाज के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हमारी दस्तगीरी फरमाए और अल्लाह हमें इस तरह के पुरफतन और फितनों वाले माहौल से हमारी हिफाजत फरमाए, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए।